नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जंडियाला गुरु मंडी में मजदूरों ने चोर को धान की बोरियां चोरी करते हुए धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। 39वें इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन ऑयल मुंबई और भारतीय रेलवे की टीम पहुंची फाइनल में। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में शिवसेना हिंदुस्तान के नेता सुधीर सूरी की प्रदर्शन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिस समय यह घटना हुई, हिंदू नेता सुधीर सूरी मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ गोपाल मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। तभी अचानक उन पर फायरिंग की गई। दोपहर के लगभग 3 बजे एक युवक ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शूटर का पीछा कर उसे काबू कर पहले पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 4 थी। वह जिस सफेद रंग की कार में सवार होकर पहुंचे थे, उसके फ्रंट मिरर पर खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह और उसके गुर्गों की फोटो लगी है और पोस्टर पर वारिस पंजाब लिखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये हत्या क्यों की गई, इस बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गोलियां छत से चली या सीधी, इसकी जांच हो रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गोपाल मंदिर के बाहर गोपाल नगर के विच सुधीर सूरी जी ते अटैक होया, उन्होंने गोलियां मारी गई ते उन्होंने इमीजिएटली एस्कॉर्ट हॉस्पिटल लेके गया, जिथे ही है सकम टू हिज इंजरीज। इस मसले के विच असी 302 के अंदर FIR दर्ज कर ली है सदर अमृतसर पुलिस स्टेशन के विच। ते अक्यूज्ड संदीप सिंह सनी नू मौके ते ही कस्टडी ते साडे DSP जिहड़े मौके ते सीगे उन्होंने कस्टडी दे विच लै लिया है। उसकी इंटरोगेशन चल रही हैगी, असी इन डेप्थ इंटरोगेशन करके इस मामले की तह तक पहुंचा गई। कुछ गल्लां मैं जरूर कहनी चाहवांगा जी कि एक इन्वेस्टिगेशन इज एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो जिहड़ा अक्यूज सीगा वह पुलिस ने अरैसट कर लिया है। सो असी इस दे विच कोई भी इसके पिछे हैगा किसी कॉन्सपिरेसी है कि सारी कॉन्सपिरेसी असी अनवेल करांगे। जिहड़े बंदे इसके पिछे हैगे उन्होंने फड़ांगे जी, बट इट इज अ वेरी अर्ली स्टेज एंड वी वॉन्ट टू इनवैसटीगेट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल। दूजा पॉइंट जिहड़ा मैं अपील करांगा सारे पंजाबियों नूं कि पंजाब दे विच अमन ते शांति बना के रखना है। असी पंजाब हैज एन एग्जैम्पलरी रिकॉर्ड ऑफ कम्यूनल हारमोनी, ते मैं अपील करांगा कि ड्यू टू दिस इंसीडेंट असी सारयां नूं एकजुट होके पंजाब की जिहड़ी हार्ट एंड पीस है जी उसनूं मेनटेन करना है। तीजा मैं सारयां नूं अपील करांगा अपने मीडिया के सज्जनां नूं भी कि प्लीज अवॉयड र्यूमर मोंगरिंग, प्लीज अवॉयड पोस्टिंग अनवेरीफाइड मैटर्स ऑन द सोशल मीडिया। सिचुएशन इन अमृतसर इज फुली अंडर कंट्रोल, अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड। जंडियाला गुरु की अनाज मंडी में लंबे समय से धान की बोरियां चोरों द्वारा चोरी किए जाने की घटनाएं होती आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली के चलते बीती रात भी मंडी में काम कर रहे मजदूरों द्वारा धान की बोरी चोरी करते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। मजदूरों ने चोर से जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि वह अनाज मंडी में अपने कुछ साथियों के साथ लंबे समय से चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। इस मौके पर कुछ आड़तियों व मजदूरों ने मीडिया को बताया कि बाजार में काफी समय से चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसे रोकने के लिए मजदूर रात को निगरानी करते हैं। वही रात में जब चोर चोरी करने आए तो मजदूरों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंधी लेबर प्रधान ने कहा कि पंजाब में कई नशेड़ी हैं जिन्हें महंगी दवाई खरीदने के लिए चोरी करनी पड़ती है, इसलिए सबसे पहले सरकार को ड्रग्स पर लगाम कसनी चाहिए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि मजदूरों द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामला दर्ज किया जाएगा और सख्ती से पूछताछ भी की जाएगी ताकि इससे जुड़े अन्य चोरों एवं नशेड़ियों को भी पकड़ा जा सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।
ਨਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਮਾਲ ਦੱਸ ਨਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਔਰ ਮੇਜਰ ਤੇ ਲੰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਰੇ ਤੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਵੇਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਠੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 15 ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਨੀ ਨਾਮ ਸਨੀ ਪਿੰਡ लाली प्यो का ना की है प्यो का नी भाई ना का नी पता अच्छा ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਰਾਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਾ ਬਾਹਰ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਚਾਬੀ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में 39वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जिसके 8वें दिन के पहले सेमीफाइनल में पूर्व विजेता इंडियन ऑयल मुंबई ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इंडियन ऑयल मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरजिंदर सिंह ने खेल के 13वें मिनट में दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक को लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर गंवाने पड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तलविंदर सिंह की हैट्रिक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरजिंदर सिंह के 2 गोल की मदद से इंडियन ऑयल मुंबई ने पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली को 5-0 के अंतर से हराकर 39वीं इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी के फाइनल में 12वीं बार प्रवेश किया तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय रेलवे ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 2-1 के अंतर से हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया इस सेमीफाइनल मैच में चीफ पीआरओ गुरविंदर सिंह गुल्लू सहित तरलोक सिंह भुल्लर नत्था सिंह आखर रणबीर सिंह टुट इकबाल सिंह संधू राम प्रताप लखविंदर पाल सिंह खैरा नरेंद्र पाल सिंह जज प्रोफेसर कृपाल सिंह मठारू रमणीक रंधावा एल आर नायर विशेष तौर पर मौजूद रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आए जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट मैच बड़ा अच्छा हो रहा है इस वेले सेमीफाइनल पेनल्टी कॉर्नर मिले इंडियन ऑयल नू देखो की हुंदा है पहला भी एक मिल चुका है सो उम्मीद है कि गोल करनगे जिहड़ा पेनल्टी सो कॉर्नर लैण वाला मुंडा बड़ा अच्छा है गुरजिंदर सेमीफाइनल चल रहे देखो गल है जी कि हाकी मैं तो यही कहूँगा भी मैच बड़ा अच्छा हो रहा है हाकी का जिहड़ा है शौक बढ़ना चाहिए पब्लिक हो रहा है इत्थे आ के प्लेयरां दा हौसला अफजाई करे उन्होंने ताड़ी बजा के उन्होंने उन्होंने प्रमोट करे ठीक है ना जब तक देखने वाले लोग नहीं आते जब तक फिर खेलने वाले मज़ा नहीं आता क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर तो इस करके जी जो ताड़ी बजी है ना वो प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा है और हकीकत तो अपना पंजाब का ट्रेडिशन है पंजाब के प्लेयर अज दे नहीं बड़े पता नहीं डिकेड्स एंड डिकेड्स पंजाब के हाकी प्लेयर जो इंडिया टीम वास्ते खेल चुके हैं तो यह भी सानू हाले भी साडे नैशनल टीम बहुत सारे प्लेयर है और पंजाब दे विच सानू हॉकी नू ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए देखो सुरजीत हॉकी स्टेडियम दे विच अज सेमीफाइनल मैच हो रहा इंडियन ऑयल ते पीएनबी दे विच जिहड़ा कि अजे इंडियन ऑयल दी टीम पहले क्वार्टर विच एक गोल नाल अगे है बहुत ही 5वां मैच चल रहा है अजे 3 क्वार्टर बाकी ने मैं सोचदा भी इस दा जिहड़ा मुकाबला चलेगा बहुत 5वां चलेगा जिहदे विच एंड तक असीं कुछ नहीं कह सकते किहड़ी टीम है जिहड़ी साडी उह जित्तेगी और सुरजीत हॉकी टूरनामेंट दे बारे मैं चाहुंदा वां
भी देखो जिस तरह सुरजीत हॉकी ऑर्गेनाइज कर रही है टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, ये वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन द कंट्री। अज दो सैमीफाइनल मैच खेले जा रहे हैं, बहुत ही सख्त मुकाबले चल रहे हैं, पहला मैच चल रहा है, दूसरा मैच हले होना है। तो मेरी दर्शकों को अपील है कि कल फाइनल मैच थे वो तो वह पहुँचन, इनाम काफ़ी इनाम भी रखे हैं, तो कल्चर नाइट भी हैगी है, तो इसलिए अपना टाइम सर आ जाने आनंद मानना टूर्नामेंट का। ऑडियंस लिए असी हर साल बड़े प्राइज रखते हैं, कार तक भी रखते हैं, कार मोटरसाइकिल फ्रिज स्कूटर सारा कुछ असी दें, तो उनके कूपन इतों मिलेंगे, तो उनका लक्की ड्रा कढ़िया जाएगा मंत्री साहब द्वारा। भारतीय विद्या मंदिर किचलो नगर लुधियाना की ओर से दो दिवसीय लुधियाना सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की गई। BCM आर्य शास्त्री नगर, DAV पखोवाल रोड, CFC पब्लिक, HVM कॉन्वेंट, जीसस सेक्रेड हार्ट ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल, ब्लॉसम कॉन्वेंट सहित कई प्रतिष्ठित स्कूलों के सैकड़ों महत्वाकांक्षी खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। इस संबंधी BVM ट्रस्ट के सचिव PC गोयल ने बताया कि अच्छे खेल के साथ नए स्पोर्टी विजन को चित्रित करते हुए सैकड़ों खिलाड़ी जीत हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। शानदार खेल पेश करते हुए BVM किचलू नगर और ब्लॉसम कॉन्वेंट स्कूल के बीच पहला मैच खेला गया और BVM किचलू नगर ने जीत हासिल की। मेजबान स्कूल टीम की राशि, रिदम, दृष्टि, रिया, भूमिका, आरुषि और दिव्या अपने उत्साही खेल के लिए शानदार हेड बॉलर के रूप में उभरी। इस अवसर पर अध्यक्ष KC मैनी और मदन मोहन व्यास ने प्रिंसिपल श्रीमती नीलम मित्तर के साथ अपने गतिशील समर्थन से सभी खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। कैलाश चंद्र मैनी, प्रेसिडेंट भारतीय टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वंडरफुली वेल। I congratulate the organizers, see, and the players. I said very well. I said very well done. Prakash Chand Goyal, Sekti Bharatiya Vidya Mandir Trust. आज भारतीय विद्या मंदिर किचुल नगर के प्रांगण में 11 टीमें जो के अलग अलग स्कूलों से आई हुई हैं, यहाँ LSSC का हैंडबॉल का टूर्नामेंट है जो दो दिन चले गए, 4 और 5 कल समापन है। बहुत बॉयज़ और गर्ल्स आज साढ़े स्कूल दे विच LSSC हैंडबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिदे विच 11 स्कूल्स तो 37 टीम्स पार्टिसिपेट्स कर रही हैं और उन्हां दी कोचेज़ और उन्हां दे टीचर्स उन्होंने अपनी टीम्स में इत्थे लैके आए और मैचेस शुरू हो चुके हैं। Under 14, Under 17, Under 19 सारे तीनों एज ग्रुप्स का मैच है, तीनों एज ग्रुप से मैचेस आज होंगे, आज हैगे बॉयज़ गर्ल्स ही और कल हैगा बॉयज़ दा Under 14। पुरातन समय के दौरान पंजाब भर में रवायती फसलों के साथ मूंगफली की फसल की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी और तकरीबन पंजाब में मूंगफली की फसल बिल्कुल अलोप ही हो गई थी, लेकिन अब नाभा ब्लॉक के गांव मेहस में किसान सुखचैन सिंह की ओर से रवायती फसल चक्र में से बाहर निकलकर मूंगफली की खेती की जा रही है। वहीं किसान की ओर से पहली बार अपने खेत में मूंगफली की फसल की खेती की गई। उन्होंने कहा कि यह फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है और इस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। इतना ही नहीं, एक सीजन में 4 फसलों की खेती भी आसानी से कर सकते हैं। इस मौके पर विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने किसान सुखचैन सिंह की तारीफ की। वहीं कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि सुखचैन सिंह द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय कदम है और सभी किसान ऐसी फसलों की बुवाई करें जिससे जल स्तर भी बढ़ जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मेरी संभाल भी तकरीबन होंगी रही है काफ़ी मूंगफली, तो फिर मेरे मन के पिछली बार का काफ़ी उत्साह से भी मैं मूंगफली बीजनी है, पर पिछली बारी मैनू बीज नहीं मिलया, तो इस बार मैनू बीज मिलया, तो बीज मिलया तो फिर मैं तकरीबन कोई किले तो थोड़ी जी घट जगह मैं मूंगफली की बीजी बिजाई की है। ये मैं अमृतगढ़ तो लिया, अहमदगढ़ तो लिया। हाँ जी, हूँ मैं अपने आप बहुत प्राउड फील कर रहा भी मैं एक वक्री खेती की है, तो मैनू बहुत ज़्यादा अपने आप के माण भी है भी मैं नवी फसल का आगाज किया। सर 3 महीनों की फसल है जी, तो बेनीफिट ये खर्चा कोई नहीं है। बिल्कुल जी, अच्छ पिंड मैस है
जितों साडी भैन हरजिंदर कौर ने तगमा जितया सीगा और इत्थे किसान भी अगांहवधू सोच दे मालक ने बहुत अच्छी सोच है ते पुराने जमाने दे विच सुनिया सीगा कि मूंगफली लगती है जी बीजी जाती है ते चिबड़ हुंदे सी पुराना सिस्टम हुंदा सी ते हुण उह दुबारा हुण किसानां ने शुरू कीता तुसीं आ देखो जी किवें मूंगफली लगी हुई है और अज ये चिबड़ भी ने जी बच्चे दे जिहड़ा जिहड़ियां साडियां रवायती फसलां सी ना जी असीं उत्तों दूर चले गए सी असीं झोने ते कणक दे विच ही फस के रह गए तो इन्हां ने एक पहलकदमी की है तो मैं आप चल के आया अप्रीशिएट करने वास्ते तो थोड़ा बहुत धन्यवाद तुसीं सारा पंजाब देखूगा थोनू मैं तो एक जिमें हुण अपना करंट सनैरियो है जी पानी नीचे जा रहा उधरों अपनी स्टबल बर्निंग आ जाती है झोने के अग लग रही है ये फसल के दोनों की जिहड़ी समस्या नहीं आती पानी बहुत घट ना मात्र वाग ने अग की तो कोई ये चांस ही नहीं बनता क्योंकि जिहड़ा ये बच जाता ये अपना मूंगफली तो बाद जो अपने पत्ते बच जाते आप एज आ फीड भी पशुओं को वरत सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की समृद्धि शाखा ने भारत सरकार के SME उद्योग के लिए प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं खासकर जिनमें लोन की सुविधा प्रदान की जाती है इस संबंधी उद्यमियों को जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बैंक शाखा के अधिकारियों ने उद्यमियों को बताया कि भारत सरकार की विभिन्न उद्यमी सहायक योजनाओं का कैसे वे लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार भारत सरकार उनकी सहायता कर सकता है जिससे वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना योगदान कर सकें। व्यापारियों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योजनाओं की जानकारी ली और अपनी बातें साझा की। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के समृद्धि शाखा के प्रबंधक पवन बस्सी ने सभी का धन्यवाद किया। उनके साथ सुरेंद्र कुमार, धर्मपाल, ममता, बलराम शर्मा, गगनदीप सिंह, राकेश कुमार, जितेंद्र कौर, जसवीर सिंह भी उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी गांवों की नुहार बदलने के लिए गांव-गांव करोड़ों रुपयों की ग्रांट बांट रही है जिसके तहत नाभा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने नाभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों के सौंदर्यीकरण के लिए अनुदान का वितरण किया। इस दौरान विधायक देवमान ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वे लोगों को सिर्फ गलियों नालियों तक ही सीमित नहीं रखेंगे क्योंकि जो राजनीति पिछले 70 सालों से चली आ रही थी वह गलियों और नालों तक ही सीमित रहती थी लेकिन आप पार्टी अब सड़कों से निकलकर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और अच्छी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। आज मैं काफ़ी पिंडां दा जिहड़ा जी दौरा चल रहा और इहदे विच्चों जिहड़ी ग्रांट है जी वह वंडी जा रही है। ग्रांट पंजाब सरकार दी है, सेंटर सरकार दी है, पर इह साडा पैसा है जी और घूम के साडे कोल ही आ रहा। असीं इमानदारी नाल उह पैसा जिहड़ा हरेक पिंड दे विच किते सीवरेज लई आया, किते बोरवैल लई आया, कितने कोई छप्पड़ लिए आया, जिमें जिहड़ी भी कैटागरी लिए आया जिस रिक्वायरमेंट सी वो पैसा असं जिहड़े दे रहे हैं। इस वक्त मैं इस पिंड दे विच अज 10 पिंडां दा टूर है जी और लगातार आने वाले दिनों दे विच असीं तकरीबन 50 दे आसपास पिंड जिहड़े आ कवर कर लैणे। स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों की पहुँच से बाहर थी और गरीब लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे। जब से पंजाब में नई सरकार आई है तब से स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब पंजाब के सिविल अस्पताल गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने सिविल अस्पताल में अधिक से अधिक रोगियों का ऑपरेशन किया है और यह साबित कर दिया है कि निजी अस्पताल ही केवल अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके बल्कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर भी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। इस बात को साबित कर दिया है सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिन्होंने गत दिवस सिविल अस्पताल में मरीज भगत राम शर्मा का चूल्हा बदलने का सफल ऑपरेशन किया जिससे अब मरीज भगत शर्मा चल फिर सकते हैं और आज उन्हें सिविल अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि जब मरीज भगत राम शर्मा उनके पास आए थे तो उनकी हालत बड़ी खराब थी और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पंजाब सरकार द्वारा चलाए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनका ऑपरेशन कर चूल्हा बदल दिया गया था और ऑपरेशन सफल रहा है जिसमें कोई खर्च नहीं हुआ है और सभी दवाएं भी सिविल अस्पताल द्वारा दी गई हैं। अब मरीज चल सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर सुनील भगत का बहुत बड़ा योगदान है और एनेस्थीमिया डॉक्टर ने भी काफ़ी मेहनत की है।
वहीं मरीज भगत राम शर्मा ने पंजाब सरकार और सिविल अस्पताल के डॉक्टर मनमोहन सिंह की टीम का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट किया। हुशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। हाँ जी, की नाम जी तुहाडा? भगत राम शर्मा जी। हाँ जी, तुसी किद्दां आए हो सिविल? मेरा जी दोनों चूड़े खराब से जी, 5-6 साल तो मैं बहुत परेशानी सी जी, तो इस करके मैं फिर इतने हुशियारपुर अस्पताल पहुँचा जी। उन्होंने मेरे एक्सरे देखे और मेरा इलाज शुरू किया जी। चूड़ा मेरा एक बदल हो गया जी, मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी जी, मेरे उठने बैठने से बहुत परेशान सगा, ना मैं बैठ सकता सी ना मैं लम्मा पै सकता सी। हुण तुहाडे किन्ने पैसे लगे इत्थे? हुण मेरा कोई खर्चा नहीं आया जी, सब सरकार वालों खर्चा होया। हाँ जी, साडे कोल बजुर्ग चूड़े खराब दे नाल आए सीगे, बहुत ही गरीब परिवार नूं संबंध रखते आ, तो 3-4 साल तो बहुत औखे सीगे, तो इन्होंने प्राइवेट च होर बड़ी कोशिश की पर पैसे ना होण करके जां जो भी इन्हां दी परिवारक मुश्किल सी साडे कोल आए। आयुष्मान स्कीम के तहत साढ़े अफसर के सहयोग नाल, SMO के सारे के सहयोग नाल असी इन्हां दा सफल ऑपरेशन किया। सिविल अस्पताल दे विच ही जिहो जिहा साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर आ, जिहो जी साडे कोल मैन पावर आ, उहदे विच असी इन्हां दा चूड़ा बदलिया। सरदारनी जी रीवा जोली पत्नी स्वर्गीय सरदार कुलदीप सिंह जोली, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु गुरबानी के भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों द्वारा वैरागमय कीर्तन कर संगतों को प्रभु चरणों से जोड़ा गया। उनके पारिवारिक सदस्यों में उनके पुत्र व पुत्रवधू भूपेंद्र सिंह जोली, रमनबीर कौर, गुरविंद्र सिंह जोली, अमनदीप कौर, बेटी व दामाद नीरू कोछड़, अमृतपाल सिंह, मीनू अरोड़ा, जतेंद्रपाल सिंह, इनके अलावा जोली, कोछड़, अरोड़ा, भाटिया और चावला परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कमलजीत गुल्लू, अमरजीत बजाज, अमरजीत सिंह अमरी, संदीप सिंह, बंटू सबरवाल, चरणजीत मैंगी, सुखदेव गांधी, बलराज ठाकुर, तजिंदर भसीन, कमलजीत कोछड़, सुरजीत सिंह, सुरजीत अरोड़ा, अजीत सेठी, नरेंद्र सग्गू, गुरबचन कथूरिया, परमिंदर सिंह, गुरदेव सिंह, गुरशरण सिंह, अमित सहगल, अवतार सिंह गोल्डी, प्रद्युम्न सिंह जोली, डॉक्टर डींगरा, दीपक बहल, गुरबख्श जुनेजा, गुणजीत सचदेवा, अजय चोपड़ा, प्रीतम लुथरा, जसलीन सेठी, आत्म प्रकाश बबलू, अमरजीत कथूरिया, डॉक्टर नवजीत दहिया, कमलजीत सिंह, AETC डॉक्टर SPS ग्रोवर और कुलदीप सिंह व सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े सभी लोगों ने स्वर्गीय सरदारनी रीवा जोली को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। Yeah.
गुरमत समागम एहसास करा रहा कि किस तरीके जौली परिवार ने समाज की शहर की सेवा की है, सारिया नाल सहयोग दिता है कि सारिया नाल खड़े हुए ने जिनी वड्डी गिनती दे विच अज समाज के वक् वक् वर्गों तो वक् वक् जथेबंदियों तो रिश्तेदारियों तो इलावा समाजिक संबंधों के कारण आप सारे इत्थे शामिल होए हो। इस गल का प्रतीक है इस तरीके नाल जौली परिवार ने अपने समाज के सेवा करदे हां। हर इंसान जो इस दुनिया के जन्म लैंदा है उस इंसान को एक आबरू की मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जिहड़ा प्राणी जिहड़ा इंसान इस समाज के चंगे काम करता है उसके जान के नाल जिते परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है उत्थे समाज को भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। माता जी के जान के नाल अज जिते परिवार अधूरा उत्थे समाज भी अधूरा है। जिंदगी दे विच माँ का प्यार अटूट प्यार होंदा वो माँ जिन्हें सानू जन्म दिता बचपन दे विच बड़े लाडा चावां प्यारां दे नाल अपनी गोद दे विच पा के पढ़ाया लिखाया जवानी तक लै के आता और जदों माँ का साया सिर तो चले जाता तो जिंदगी दे विच इस तो वड्डी कोई होर घटना नहीं होंदी। रेवा जी वो परमात्मा नूं प्यारे होए और आप सारे उन्हां दी अंतम अरदास विच इकट्ठे होए इस कोई शक नहीं कि जो भी इंसान जन्म लेता है वह हर हालत जाता भी है जो दिन आवे सो दिन जाए करना कुछ ग्रहण करना ही गुरबाणी का मान है कि किसी ने भी स्थाई रूप इस धरती से नहीं रहना है। पर जड़िया शख्सियत जो परिवार अपने तो अलावा समाज वास्ते कुछ करते हैं उन्हें जान के नाम समाज में घाटा पैदा है। बीबी सरदारनी रेवा जी जिन्होंने अपने जीवन जौली परिवार को बहुत प्रफुल्लित किया है। सरदार कुलदीप सिंह जौली जिन्हें कि साढ़े इस नगर की बहुत ही प्रमुख शख्सियत से जिन्होंने अध्यात्मक खेत्र और इंडस्ट्री समाजिक बड़ा योगदान पाया। सो इस करके वो इन्ना अपना स्थान बना सके क्योंकि उन्होंने पीछे शक्ति जी सरदारनी रेवा जी की सी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जंडियाला गुरु मंडी में मजदूरों ने चोर को धान की बोरियां चोरी करते हुए धर दबोचा किया पुलिस के हवाले। 39वें इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में इंडियन ऑयल मुंबई और भारतीय रेलवे की टीम पहुंची फाइनल में। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।